हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, हियर इज आनंद सर एंड दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास एंड टुडेज टॉपिक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यस्टरडे। हम आज का टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे कि कल हम गैबेरियल थैलेमाइड रिएक्शन पढ़ रहे थे। मैं दोबारा नाम इसका लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, गैबेरियल थैलेमाइड रिएक्शन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। गैबेरियल थैलेमाइड रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से सी से ओ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इसकी वैलेंसी भरी नहीं है तो यहाँ पर ओ से डबल बॉन्ड लगा दिया। देखिए हमने अब यहाँ पे तो लगा है OH और यहाँ पे लगा है NH2 ग्रुप। इस NH2 ग्रुप में से एक H क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर P2O5 की रिएक्शन कराई है हमने। P2O5 क्या होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और आप यहाँ पे देख रहे हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सी कारक है। तो यहाँ पे देखिए NH2 में से एक H हट गया है और यहाँ पर क्या देखिए आप, यहाँ पर H+ लग से आ गया है। H+ लगने के बाद अब आप देख रहे हैं जब इसकी वैलेंसी खाली हो गई तो यहाँ पर ये NH आपस में लग गए हैं। देखिए NH क्योंकि यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा, H2 निकल गया तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं कि NH लग गया। इसकी रिएक्शन हमने कराई है KOH से। KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराने के बाद आप देख रहे हैं कि जो N था यहाँ पे, N से हमारा H भी चला गया। H चला जाने के बाद फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई है RX से। तो हमारा जब R था तो इस R ने क्या कर दिया, इस पर जंप कर दिया और यहाँ पर देखिए R लग गया है। C डबल बॉन्डो दोनों ग्रुप INR से जुड़ गए हैं। इसकी रिएक्शन कराई है फिर हमने वाटर प्लस एसिडिक मीडियम से रिएक्शन कराई है हमने, वाटर प्लस एसिडिक मीडियम से। तो आप देखेंगे हमारा ये जो हमारा NR ग्रुप जो था वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है RNN2। तो यहाँ पे देखिए हमारा OH फिर से आ गया है हमारा। तो हमारा ये RNN2 बन गया। RN2 बोलते हैं हम 1° amine बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1° amine को यहाँ पर हम बोलते हैं। इसके बाद हमारी है हाफ मैन ब्रोमो MI डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें RCONH2 ये हमारा है एसिडामाइड ग्रुप, एसीटामाइड। इसमें हमारा एसीटामाइड ग्रुप लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन हमने कास्टिक सोडा प्लस Br2 से कराई है। ओनली यूज फॉर 1° amine, यानी 1° amine हम इससे बना सकते हैं। और RNH2 यानी हमारा देखिए 1° amine हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया, प्लस NaBr प्लस Na2CO3 प्लस वाटर। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या करना है, इस रिएक्शन में एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि R सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्डो यानी एल्काइल साइनाइड ग्रुप मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, ध्यान रखना है इंटरमीडिएट इसमें एक बनता है, विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर बेंजामाइड है। ये वाला क्या है, हमारा बेंजामाइड है। बेंजामाइड हमारा एक ही है, बेंजामाइड हमारी एक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन हमने वही से कराई है कास्टिक सोडा प्लस ब्रोमिंग गैस से। तो हमारा क्या बन गया, एनिलीन बन गया। देखिए एनिलीन बन गया है। ये सारी रिएक्शन की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और आपको कॉपी में करना है बहुत ध्यान से, क्योंकि सारी रिएक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। गैबेरियल थैलेमाइड रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, यूजफुल ओनली यूजफुल फॉर 1° amine। इसके बाद हमारी एसिडामाइड से कराई है, हमने आपको बता दी है। बेंजामाइड से हमने आपको बता दी है। इसके बाद हमारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एलिफेटिक एमाइंस, फिश लाइक स्मेल यानी मछली जैसी गंध आती है। एनिलीन व एराइल एमीन कलरलेस होते हैं, ध्यान रखना है। और गर्म करने पर ऑक्जे के कारण कलर दिखाई देता है, ध्यान रखना है। यदि हम हवा में रख दें, देखिए लिखा भी हुआ है, यदि हम हवा में रख दें तो ऑक्सीजन बनने के कारण ये कलर दिखाई देता है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है 1° का, उसके बाद होता है 2° का और उससे सबसे कम होता है 3° का। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो 1° की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है 2° की सॉल्युबिलिटी होती है। बेसिसिटी में बात करें तो गैस फेस में जो हमारा टर्शरी एमाइन होता है यानी 3° वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 2° बेसिक होता है, फिर 1° बेस होता है और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, अमोनिया। हमारा अमोनिया का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है क्लास में, NH3 होता है, विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो हम दूसरी फेज के बारे में बात करेंगे तो एक होता है हाइड्रेशन और एक होता है स्टीरिक हिंड्रेंस। सबसे ज़्यादा 2° में, उससे बाद 3° में, उसके बाद 1° में, उसके बाद अमोनिया में। फिर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिए इसमें भी वही दिख रहा है, ये 2° दिख रहा है, ये हमारा 3° दिख रहा है, ये 1° दिख रहा है और ये अमोनिया है।
इसके बाद हम बात करें, देखिए इसमें दूसरा वाले क्लास में भी दिया हुआ है, तो 2 डिग्री में हमारा यहाँ पे ये स्टीरिक हिंड्रेंस की बात हो रही है, स्टीरिक हिंड्रेंस की। ये हमारा देखिए 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये अमोनिया है। एग्जाम में ना बोले तो जली अवस्था लेकर चलना है, ध्यान रखना है यहाँ तो हम गैस फेस की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ना बोलें तो जली अवस्था लेकर चलना है। यदि एग्ज़ाम में नहीं आता है तो हमेशा आपको एमाइंस को कायम ले चलना है, जली अवस्था में लेके चलना है, ना कि आपको गैस फेस में लेके चलना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप लोग मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।